स्वागत करता हूं। आज जो खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें महिला कुश्ती का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना गया है। ये पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीता। साक्षी मलिक, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। साक्षी, हमारी पहली मुलाकात जो है 2010 में हुई थी, तब आप 16, 17 या 18 साल की थी और आपने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने ब्रॉन्ज जीता था। तो उस दौर से ओलंपिक तक का सफर आपको कैसा लगता है? वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। सिर्फ एक मेरा ही आया था, पूरी ग्रीको रोमन बॉयज फ्री स्टाइल रेसलिंग और गर्ल्स में से मेरा ही आया था सिर्फ मेडल, और वो मेरे लिए बहुत बिग अचीवमेंट थी। क्योंकि अभी तो इंडिया की रेसलिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेडल्स ज्यादा आने शुरू हो गए, लेकिन उस टाइम पे बहुत लड़कियां बहुत कम रेसलिंग करती थी, और जैसे कि अभी धीरे धीरे फैसिलिटीज भी बढ़ रही है, तो उस टाइम पे मेरा मेडल आया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी और कॉन्फिडेंस भी मिला था कि हाँ अभी तू मतलब प्रोग्रेस आ रही है और तू वर्ल्ड लेवल पे मेडल ले रही है तो ओलंपिक तक तू जरूर जा सकती है। जब तक तो मुझे ये भी पता चल गया था कि हाँ ओलंपिक में जाना है और देश के लिए मेडल जीतना है, क्योंकि 2008 में सुशील पहलवान जी का मेडल आया था, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला था। तो बस फिर 2010 के बाद सिर्फ यही चीज मन में सोच के ट्रेनिंग किया कि ओलंपिक में जाना है, मेडल जीतना है, ओलंपिक में जाना है, मेडल जीतना है। तो 2012 में नहीं हो पाया क्योंकि मैं गीता से लास्ट टाइम में हार गई थी, तो उन्होंने क्वालिफाई किया। वो भी खुशी की बात थी कि सबसे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में 2012 में क्वालिफाई किया था। तो ये था कि अगर मेरे वेट में जिनको मैं टफ फाइट दे रही हूँ वो ओलंपिक में जाके क्वालिफाई कर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकती और मेडल जीत सकती। तो वहां से एक और ज्यादा प्लस पॉइंट मुझे मिला था कि अगर गीता ने क्वालिफाई किया है तो तू नेक्स्ट ओलंपिक में क्वालिफाई भी कर सकती है और मेडल भी जीत सकती है। तो बस जैसा कि मैंने बताया कि जब से तो यही सोच लिया था कि अभी ओलंपिक्स में जाना है और मेडल जीतना है। आपके कैटेगरी में आप जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे अपने आप को? क्योंकि क्वालिफाई अभी आपने नहीं किया, अभी आपने क्वालिफाई करना है ओलंपिक के लिए, तो उसके लिए किस तरीके से अलग सा आप ट्रेनिंग कर रही हैं या अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं? बिल्कुल, कंपटीशन मेरा जो वेट कैटेगरी में वो बड़ा है, और लास्ट की दो ट्रायल्स हैं वो भी मेरी अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन मैं ये है कि मैं लास्ट टाइम दोनों मेरे मैचेस थे या ट्रायल्स का सिलेक्शन मैचेस थे, वो दोनों मैं बिल्कुल लास्ट टाइम में आ रही हूँ। पहले तो मेरा स्कोर था पहले मैच में 10-2 का, और फिर मैंने लास्ट टाइम में पूरा मैच मेरा खराब होता चला गया। फिर उसके बाद दोबारा से ट्रायल्स हुई, मेरा एशिया में मेडल आया उसके बेसिस पे, तो फिर दोबारा से ट्रायल्स में थोड़ा प्रेशर हुआ और वही लास्ट 50 सेकंड में मैं आगे चल रही थी, लास्ट 50 सेकंड में मैं फिर आ गई। तो जो भी मुझे कमी लगी, जो मैंने महसूस किया कि उस मैचेस से मैंने जो सीखा है मैं उन पे काम कर रही हूँ, और बस ये है कि दोबारा से मैं वो गलतियां ना करूं। बस काम मुझे इसी पे करना है कि मैं लास्ट टाइम तक स्ट्रांग रहूं और फोकस रहूं कि जैसे मैं जीतती हूं तो लास्ट टाइम तक ये हो जाता है कहीं पॉइंट ना लूज हो जाए, तो उसी चक्कर में फिर वो लास्ट में मैच मेरा हाथ से निकल गया दोनों का दोनों। तो अभी यही है कि चाहे लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं या 5 सेकंड बचे, मुझे लास्ट टाइम तक फाइट करनी है जो मैंने ओलंपिक्स में किया था कि लास्ट सेकंड तक मुझे फाइट करनी है। मुझे ये नहीं सोचना है कि तू जीत रही है या हार रही है, तो थोड़ा सा प्रेशर पे भी अब मैं वर्क कर रही हूँ कि मैं मैचेस के दौरान थोड़ा प्रेशर ना लूं ज्यादा। तो बस प्लस पॉइंट ही है कि दोबारा से सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू से शुरू होगी, दोबारा से ट्रायल्स होंगी, नेशनल होगा, और होप कि अच्छा हो और मैं क्वालिफाई कर पाऊं। मुझे याद है मैंने देर रात को आपका मैच देखा था ओलंपिक मेडल वाला, तब आप ट्रेल कर रही थी और आपको कमबैक क्वीन इसके बाद कहा गया था, क्योंकि आपने ट्रेल करने के बाद दोबारा लीड करके जीते थे, वो हमें बिल्कुल पता है कि आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। साक्षी, एक और बात है, कोरोना की वजह से जो गेम्स हैं बहुत सारे पोस्टपोन हो गए हैं, तो इससे खिलाड़ियों को मेंटली या फिजिकली कुछ मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कि भाई अभी होते तो शायद वो इस टाइम के लिए प्रिपेयर थे, खिंच गया आगे, कोरोना का ब्रेक आ गया,
प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो इससे कुछ प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है कि जैसे 15 दिन कभी भी हम कंपटीशन से दूर नहीं रहे, या 15 दिन कभी भी एक सेम प्लेस पे हम रहते नहीं, कभी लखनऊ कैंप में तो कभी बाहर ट्रेनिंग कैंप्स में, कभी किसी कंपटीशन में। तो अब इतने दिन से घर में है तो थोड़ा सा थोड़ी नेगेटिविटी आती है कि कहीं तू रेसलिंग से दूर तो नहीं हो रही है, क्योंकि कभी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि इतने महीने बिना किसी कंपटीशन के निकाल दिए। मैं 16 साल से रेसलिंग कर रही हूँ, लेकिन आज तक ऐसा साल नहीं गया कि मैंने 6-7 महीने बिना किसी कंपटीशन के निकाले हों। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं रेसलिंग से दूर ना हो, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि मेरे फादर इन लॉ का खुद का अखाड़ा है, हमारा बिल्कुल घर के पास में ही है, तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो मैं जैसे पार्टनर के साथ अभी कुछ दिनों से शुरू की है, लेकिन उससे पहले भी रेसलिंग मैट पे जैसे अपना इमिटेशन और मतलब मेन बात है कि मेरे पास रेसलिंग मैट अवेलेबल था। और दूसरी थिंग फर्क इसीलिए सब यही सोच रहे कि एक अकेला इंडिया में तो है नहीं ये, या किसी स्पेशल प्लेयर के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसे बाहर की मेरी फ्रेंड्स हैं, यूएस से है या किर्गिस्तान से है या जापान से है, तो सभी के साथ सभी ने सेम प्रॉब्लम फेस किया है। तो अब ये तो है नहीं कि मैं बैठी हूँ मेरी अपोनेंट कर रही है, या मेरी अपोनेंट ट्रेनिंग कर रही है दूसरी कंट्री में और मैं यहाँ खाली बैठी हूँ, तो सबके लिए सेम सिचुएशन है। तो सभी इसी माइंडसेट से चल रहे हैं कि ये सब ठीक हो और दोबारा से ओपन ट्रेनिंग शुरू हो, बाहर ट्रेनिंग कैंप शुरू हो और सब ठीक हो के फिर हम कम बैक करें और रेसलिंग लाइफ जो जिसके लिए हम अभी तरस रहे हैं उसको हम दोबारा से जिए। नेशनल कैंप भी पोस्टपोन हो गया आप लोगों का, महिला का मेंस का चालू है, तो आपको लगता है कि अभी सही टाइम है उसको दोबारा से चालू करने का या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? देखो सर, ये है कि जो मेंस का कैंप है ना, वो जैसे तकरीबन जो रेसलर हैं वो हरियाणा से होते हैं, आसपास से होते हैं, दिल्ली या छत्रसाल स्टेडियम, तो अपने खुद की कार से आते हैं या बहुत नियर बाय है, तो लड़कों को आने में इतना हिचकिचाहट नहीं होती। लेकिन लड़कियां जो हैं अभी सब इतना ज्यादा वो नहीं है कि सब प्लेन की टिकट खरीद सकें, या सब या तो ट्रेन में आएंगी, बहुत रेयर है जो अपनी कार से जाता है, तो सबको यूं डर है कि ट्रेन से जाएंगे और बाय एयर अगर हम इतना दूर ट्रैवल करके जाएंगे तो प्रॉब्लम ना आ जाए। और मेन प्रॉब्लम ये है कि 15 लड़कियों का नाम है, उनमें से कुछ ऑलरेडी ज्यादा मतलब डरी हुई है कि हम नहीं जाएंगे या अभी सही टाइम नहीं है। तो मेरा खुद का पॉइंट ये कहता है कि अगर सभी लड़कियां आएंगी तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेरिएशंस मिलेंगी। अभी यहाँ है कि मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ, बस लड़कियां 2-3 हैं जो पार्टनर्स हैं मेरी, लड़के हैं छोटे छोटे, और नेशनल कैंप का माहौल ही अलग होता है, अपने अपोनेंट्स दिखते हैं, एक कंपटीशन का माहौल रहता है। घर में तो ठीक है, ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, लेकिन माहौल दूसरा हो जाता है। तो मेरे लिए तो यह है, अगर सभी लड़कियां जाएंगी, 15 की 15 लड़कियां जाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगी सर, लेकिन अगर वही बात है, मेन लड़कियां ही नहीं गई जो मेरी टेक्निक पार्टनर बनेंगी, जो मेरी मेरी बाउट करेंगी जो मेरे साथ, वही नहीं जाएंगी तो फिर वहां जाने का क्या फायदा। तो अभी के लिए तो सभी मना ही कर रही हैं, तो देखो अभी क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि जो भी मेरे टच में ऑलमोस्ट सभी लड़कियां मना ही कर रही हैं। साक्षी एक बात बताएं, सुनने में आया कि आपके ऊपर भी कोई मूवी बन रही है रियो ओलंपिक्स को लेकर के, तो इस बात में कुछ सच्चाई है? मुझे तो ये न्यूज नहीं मिली, लेकिन अगर आप बता रहे हो, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अभी तक मुझे ये न्यूज नहीं मिली है। क्योंकि हमें पता चला था कि आपको लेकर के भी कोई एक बायोपिक टाइप बनने की तैयारी हो रही है बॉलीवुड में, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी आए। बाकी एक बात बताएं साक्षी, आईपीएल शुरू हो गया है, तो आप आईपीएल देखते हैं? मतलब यूं नहीं कि 3-4 घंटे चल रहा है तो मैं लगातार बैठी हूँ, मतलब बीच में है, टीवी में स्कोर देख लिया या ये देख लिया कौन सी टीम आगे चल रही है। फिलहाल भी अभी टीवी पे मेरे हस्बैंड वो क्रिकेट का ही चैनल लगा के बैठे हैं, तो बीच बीच में देख लेती हूँ। वो खुद पहलवान है और मतलब क्रिकेट के भी शौकीन है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट के बहुत, उनको बचपन से ही क्रिकेट बहुत पसंद था, लेकिन पापा रेसलर थे और उनको था कि मैं मेरे बेटे को पहलवान बनाऊं, तो जबरदस्ती इनको पहलवान बनाया गया है। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर है या टीम है आईपीएल में?
हाँ मेरी फेवरेट टीम जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ वो दिल्ली है। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच साक्षी हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से थैंक यू सर क्वालिफाई करें और इंडिया के लिए मेडल जीते। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।